स्टूडेंट्स, आज मैं फिर बस की यात्रा पाठ को मैं आगे बढ़ाने जा रही हूँ। मैं अपने पिछले वीडियो में बस की यात्रा पाठ को मैं शुरू की थी। बस की यात्रा पाठ का पहले भी आपको मैं सारांश दे चुकी हूँ और अब मैं सभी पंक्तियों का आशय अर्थात एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 14। पेज नंबर 13 हम लोग लास्ट वाले वीडियो में पेज नंबर 13 तक हम किए थे। पेज नंबर 14 में हम एकदम शुरू पंक्ति से हम करेंगे। पहले वाले इसके पहले वाले अंश में हम देखते हैं कि लेखक जो इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई, वो और अपने चार मित्र वे लोग पन्ना नामक स्थान से सतना नामक स्थान को आना चाहते थे। वापस करना था उन्हें वापसी में आना था। उन्हें जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़नी थी जो कि सतना से मिलने वाली थी। उन्हें रात का ट्रेन था तो सतना तक पहुंचने के लिए शाम के 4 बजे के बस को पकड़ा जाए, ऐसा निर्णय लिया गया। चारों मित्र और लेखक ने यह निर्णय लिया कि उन्हें शाम के 4 बजे वाली बस को पकड़ लेनी चाहिए। उससे सफ़र अगर वो करेंगे पन्ना से सतना तक, तो सतना से उन्हें जबलपुर रात को जो जबलपुर वाली ट्रेन होती है वो उन्हें मिल सकता है, वो मिल जाएगा। किंतु वहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना था कि जो समझदार लोग होते हैं वो इस बस से, इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते हैं। और लेखक उस समय समझे नहीं थे। लेखक को लगा कि वो रास्ते में कोई डाकू का डर है, तो लोगों ने कहा कि नहीं, बस डाकिन है। लेकिन बाद में लेखक ने बस की जो अवस्था देखी, लेखक को यह एहसास हो रहा था कि इस बस की सवारी करना बस को कष्ट देना था। हम इस पाठ में देखते हैं कि लेखक यहाँ पर अपना अनुभव को बताए हैं कि लेखक ये बता रहे हैं कि बस की अवस्था को देखते ही ये पता चल रहा था कि बस काफ़ी वृद्धावस्था में है। लेखक ने बस को वयोवृद्ध कहा है, अर्थात बस जो है काफ़ी पुरानी बस है। बस का बहुत सालों तक कोई नवीनीकरण, मतलब जिसे हम इंग्लिश में रेनोवेशन बोलते हैं, या कोई रिपेयरमेंट, कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ है। अब देखा जाए कि बस को चालू किया जाता है, बस के जो सारे अंदरूनी हिस्से हैं वो कैसे हैं, बस किस तरह से लेखक और लेखक के मित्रों को लेकर रास्ते में बस का सफ़र कैसा रहता है, बस किस तरह से कोई किसी प्रकार की तकलीफ उन्हें होती है कि नहीं, बस की स्थिति क्या है, अवस्था क्या है, सारे कलपुर्जों की अवस्था क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 14 में। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। लिसन, जो सारे लोग मिलकर, कुछ लोग मिलकर इस बस कंपनी को चलाते थे, ठीक है। तो जो लोग इस बस को चलाते थे उनमें से एक व्यक्ति अर्थात एक हिस्सेदार जिसे हम पार्टनर कहते हैं, वो उस बस में सवारी कर रहा था, वो भी उस बस में था। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? लेखक ने बस की ऐसी जर्जरित अवस्था देखी, बस की इतनी बुरी हालत देखी, तो लेखक को आश्चर्य हुआ कि ये बस सिर्फ खड़ी रहती है कि बस चलती भी है, इसके तो चलने का बात किया जा रहा है। तो लेखक उसे आश्चर्य में लेखक पूछता है कि क्या ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी, ठीक है। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपनी आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? लेखक बड़े आश्चर्य होकर पूछे कि ये बस चलती भी है? तो उस हिस्सेदार ने, बस कंपनी का एक हिस्सेदार उस बस में सवारी कर रहा था, तो उसने कहा कि अभी ये बस चलेगी, ये बस एकदम चलती है, इसमें संदेह की क्या बात है, ये बस बिल्कुल चलती है और ये बस जो है ये एकदम चलेगी, अभी चलेगी। लेखक ने दूसरी बार प्रश्न किया, ये बस अपने आप चलती है? उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये अपने आप चलती है, आप अभी देखिए, ये बस अपने आप ही चलती है। क्योंकि लेखक को ऐसा संदेह था कि शायद इस बस को धक्का वगैरह लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये इस बस को रास्ते पर दोहराया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये बस जो है बिल्कुल अपने आप चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक को आश्चर्य हो रहा था, लेखक को यह सब कुछ विचित्र सा लग रहा था। लेखक अपने मन ही मन कहता है कि गजब हो गया, ये बस अपने आप चलती है, ठीक है, देख लिया जाए। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक उस बस की बुरी अवस्था को देखकर, लेखक थोड़ा संदेह में था
कि लेखक को इस बस से सवारी करनी चाहिए या नहीं, लेखक को इस बस की सवारी करनी चाहिए या नहीं, लेखक को इस बस से सफ़र करना चाहिए या नहीं। लेखक थोड़ा अचमंजस में था, वह थोड़ा उधरबुन में था। वो सोच रहा था कि शाम का समय है, रात हो जाएगा, हमें इस बस में चढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि लेखक को डर हो रहा था कि इतने जर्जरित और इतनी बुरी अवस्था वाली बस पर अगर सवारी की जाए तो ये बस जो है किसी भी समय ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, और उस समय ये तो जान के लिए खतरा भी यहाँ पे साबित हो सकता है। तो ऐसे बस में सवारी करना सही रहेगा कि नहीं, लेखक काफ़ी सोचबीन में था। तो उसी समय उसके एक डॉक्टर मित्र जो उसके साथ था, उसने लेखक से कहा, भाई इतना सोचो मत, चलो हम इस बस की सवारी करते हैं, इस बस से ही हम चलेंगे, कम से कम ये बस काफ़ी अनुभवी है, नए नवेली बसों की तरह यह बिना अनुभवी का नहीं है, यह बस जो है ये दूसरी ये जो बस है ये नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, ठीक है, ये हमें अपने बेटों की तरह अपने गोद में बिठाकर, अर्थात इस बस की अगर हम सवारी करेंगे तो ये हमें अपने बेटों की तरह हमें अपनी गोद में बैठाएगी, ठीक है, हमें ऐसा एहसास होगा जैसे ये बस हमारी माँ है और हम जो हैं इस बस के बेटे हैं, हम बड़े प्यार से जा सकेंगे। तो ये बस काफ़ी विश्वसनीय है, अतः हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए, हमें इसकी सवारी करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उनके डॉक्टर मित्र के कहने पर लेखक के मन में भी उसमें विश्वास आता है कि फिर जाके हमें बस में बैठ जाना चाहिए। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। लेखक को छोड़ने के लिए, लेखक को और लेखक के मित्रों को छोड़ने के लिए जो लोग आए थे वो इस तरह से, वे सारे इस तरह से लेखक और लेखक के मित्रों की ओर देख रहे थे जैसे वे उन्हें अंतिम विदाई, जैसे वे उन्हें अंतिम बार उनसे मिल रहे हैं, अंतिम विदाई देने के लिए आए हो, क्योंकि वे इसलिए चिंतित थे, बस की हालत बहुत खराब थी, बस एकदम बुरी अवस्था में थी, किसी भी समय ये बस सड़क पर चलते वक्त किसी भी समय ये बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, और दुर्घटनाग्रस्त होने पर ये जानलेवा भी हो सकता है, ठीक है। तो सारे लोग जो थे, जो लेखक को छोड़ने और लेखक के मित्रों को छोड़ने आए थे, वे सारे लोग बड़ी ही चिंतित होकर लेखक और लेखक के मित्रों की ओर देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो अंतिम विदाई के लिए आए थे। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और जैसे उनकी आंखें ये कह रही थी कि इस पृथ्वी पर आना और जाना अर्थात जन्म और मृत्यु तो लगा ही रहेगा, ठीक है, जो राजा है उसे भी एक दिन जाना है, जो रंग है उसे भी जाना है, और जो फकीर है उसे भी जाना है। तो कहने का अर्थ है इस पृथ्वी पर कोई अगर आया है उसे एक ना एक दिन जाना है, जैसे उनकी आंखें ऐसे कह रही हो कि इस बस पर, इस बस की सवारी करने से, इस बस में बैठकर सवारी करने से हो सकता है कि इस बस से ही अंतिम विदाई हो जाए, इस बस से ही स्वर्गलोक पहुंच जाए, उनकी आंखें जैसे ऐसी ही कह रही थी, ठीक है। वे सारे बहुत चिंतित थे, वो सारे लोग जो आए थे वे सारे लोग काफ़ी चिंतित थे, और वे सारे लोग जैसे वो तो सही सही और वो एकदम सीधे सीधे तो कुछ कह नहीं सकते थे, किंतु वो इस तरह से मतलब वो दिख रहे थे जैसे इस बस से सवारी कर हो सकता है कि ये फिर से वापस ना आए। आगे देखते हैं, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त, जो लोग लेखक को छोड़ने आए थे वो सारे लोग लेखक को और लेखक के मित्रों की ओर इस तरह देख रहे थे जैसे कि लोगों को इस पृथ्वी से प्रस्थान करने के लिए भी एक निमित्त मतलब एक साधन चाहिए, एक कारण चाहिए। तो जैसे ये बस ही वो कारण है जो लेखक को और लेखक के मित्रों को इस पृथ्वी से सैर ले जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पर है कि लेखक, जैसे ही लेखक और लेखक के मित्र वहाँ आते हैं, बस में चढ़ने के लिए तैयार होते हैं, जो छोड़ने आए थे वो लोग जैसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि अब इनकी ये जो है अंतिम जो है सफ़र है, और ये अंतिम विदाई दे रहे हैं लेखक को और लेखक के मित्रों को। आदमी को कुछ करने के लिए, कुछ मतलब प्रस्थान करना, चले जाना, तो आदमी को प्रस्थान करने के लिए, चले जाने के लिए एक निमित्त चाहिए, एक साधन या कारण चाहिए। तो शायद इस पृथ्वी से चले जाने का ये बस ही वो कारण है, जैसे उनकी आंखों से ऐसा कुछ कहा जा रहा था,
ठीक है, लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उनकी आंखें ऐसा कुछ कह रही है। आगे बढ़ते हैं, हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे, सॉरी नीचे, उसके नीचे वाला इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। लेखक को अब तक थोड़ा संदेह था कि शायद इंजन स्टार्ट ना हो, लेकिन लेखक भी बैठ गए, लेखक के मित्र भी बैठ गए। इंजन एक ही बार में स्टार्ट हो गया, सचमुच में इंजन को स्टार्ट होने में कोई मुसीबत नहीं हुई, इंजन तो स्टार्ट हो गया, बस का इंजन स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक कह रहे हैं कि इंजन जब स्टार्ट होता है, हम देखते हैं बस का जो इंजन वाला हिस्सा होता है उसमें कंपन शुरू हो जाता है, वो पूरा हिलने लगता है, लेकिन इंजन के स्टार्ट होते ही पूरे बस में कंपन शुरू हो गया। जैसे पूरे बस ही इंजन है, सिर्फ इंजन ही इंजन नहीं है बल्कि पूरा बस ही इंजन है, क्योंकि पूरे बस में ऐसी कंपन शुरू हुई। लेखक को ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे बस में इंजन नहीं, लेखक सब इंजन में बैठे हुए हैं। लेखक बस में नहीं बैठे हुए हैं, लेखक इंजन के भीतर बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरा बस ही उसमें इंजन लग रहा था। पूरे बस में भयानक भीषण रूप से कंपन शुरू हो गया। कांच बहुत कम बचे थे और उस बस के जो खिड़कियों में जो कांच लगे हुए थे, प्रायः सभी कांच टूटे ही हुए थे, बहुत कम ही कांच बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए और जैसे ही बस में इंजन के स्टार्ट होते ही बस में कंपन शुरू हुआ। बस में कंपन होने से जो खिड़की के कांच थे उन कांचों में भी कंपन शुरू हुआ, वो कांच भी बुरी तरह से हिलने लगे। किंतु कांच अगर सही सलामत होते, उन्हें साबुत कांच होते तो उससे डर उतना नहीं था, किंतु कांच जो था वो टूटा फूटा कांच था। उस कांच से लेखक को बचना जरूरी था। लेखक को ऐसा लग रहा था कि इस कंपन के कारण कांच जिस तरह से हिल रहा है, कहीं कांच खुलकर हमें लग ना जाए। ठीक है, कांच अगर खुलकर लेखक के देह पर आके गिरेगा तो फिर कट जाने की संभावना है, कांच के शरीर में चुभ जाने की संभावना है। तो लेखक खिड़की से थोड़ा दूर सरक कर बैठ गए, मतलब थोड़ा हटकर बैठ गए, धीरे से थोड़ा खिड़की से थोड़ा दूर हटकर बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है और इतना कंपन हो रहा था, इतना आवाज भी हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि इंजन दूर में नहीं लेखक के सीट के नीचे ही इंजन रखा हुआ है। मतलब इंजन में इतनी भयानक आवाजें थी और इतना हिलना डुलना, इतना कंपन हो रहा था इंजन में कि पूरा बस तो कंपित हो ही रहा था, लेकिन आवाजों के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इंजन ज्यादा दूर नहीं, इंजन तो जनरली वास्तव में ड्राइवर के पास होता है, लेकिन ड्राइवर के बगल में नहीं, इंजन तो लेखक की सीट के नीचे ही है, लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा था। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सभी ने अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अंडरलाइन करने की आवश्यकता है, लेखक कह रहे हैं कि अब इंजन भी स्टार्ट हुआ, अब लेकिन बस सच में चल पड़ी, बस जो थी वो सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह बस गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सभी के अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि गांधी जी के नेतृत्व में हम ये दोनों आंदोलन देखे हैं, असहयोग आंदोलन जिसे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं, जो कि 1920 और 21 में हुआ था, जिसे गांधी जी ने नेतृत्व दिया था, और भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के सभी सामानों का बहिष्कार, अंग्रेजी सेवा का बहिष्कार करना ही था, अंग्रेजों का असहयोग करना ही था इस आंदोलन का उद्देश्य। तो ऐसा लग रहा था वो बस सचमुच चल पड़ी, बस चली जरूर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बस के जो सारे कलपुर्जे हैं वो सभी जैसे एक दूसरे से तालमेल नहीं रख रहे हैं, सभी एक दूसरे को सहयोग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बस चली अवश्य, लेकिन मतलब जितने भी वहाँ पे कलपुर्जे थे उनका तालमेल जैसे सही नहीं था, सभी में सभी का असहयोग था। और एक और आंदोलन की बात हुई है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सभी ने विनय के साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, शायद आप जानते हो, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि नमक पर अंग्रेजों के द्वारा टैक्स लगा दिए जाने पर गांधी जी ने किया था,
भारत की अवस्था बहुत खराब थी उस समय, भारतीय बहुत गरीब थे, उन्हें नमक रोटी ही मुश्किल से मिलता था और उस पर से अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। तो गांधी जी ने अत्यधिक विनय के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने कुछ ही अनुयायियों को लेकर साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक पैदल गए थे और वहीं समुद्र तट पर नमक को निकालकर ठीक है अंग्रेजों की इस नीति का दमन किया था, अंग्रेजों के इस नीति का बहिष्कार किया था, अवज्ञा दिखाया था अंग्रेजों के प्रति, अपनी अवज्ञा को दिखाया था। तो लेखक को बस में बैठे गांधी जी के दोनों आंदोलन याद आ रहे थे कि ये बस के जो कलपुर्जे हैं बस को सहयोग नहीं दे रहा है, बस चल तो बस रही है लेकिन जो है कभी है जो बस के जो पूरे कलपुर्जे हैं वो इस तरह से मैंने वो उस इतनी बुरी अवस्था में थी, इतनी जर्जरित अवस्था में थी कि जैसे वो साथ नहीं दे रही हो, कभी बहुत जोर का आवाज होता है तो कभी स्पीड में कमी हो जाती है तो कभी स्पीड बढ़ जाती है, जैसे ड्राइवर का नियंत्रण पूरे बस पर नहीं हो, मतलब सारे कलपुर्जे बस को सही तरीके से क्या नहीं कर रहे हैं, सहयोग ना कर रहे हो। तो इसलिए लेखक कह रहा है कि ये बस ने जिस समय इतना असहयोग, बस के सारे कलपुर्जों का इतना असहयोग की भावना को देखकर लेखक यहाँ पे व्यंग करते हुए कहते हैं कि जिस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, अंग्रेजों के प्रति असहयोग आंदोलन चलाया था और जिस समय सभी ने अवज्ञा आंदोलन को करके भी अंग्रेजों का असहयोग किया था गांधी जी ने, उस समय अवश्य ये बस जवान थी और उसने गांधी जी के आंदोलनों से ट्रेनिंग ली है कि कैसे असहयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लेखक यहाँ पे व्यंग करता है, लेखक व्यंग करते हुए कहता है कि ये गांधी जी के दोनों आंदोलनों के समय ये बस जवान थी और ये बस ने उन आंदोलनों से प्रशिक्षण लिया है कि कैसे असहयोग किया जाता है। बस के सारे कलपुर्जे जो हैं वो प्रशिक्षण ले चुके हैं गांधी जी के आंदोलन से कि कैसे असहयोग किया जाता है और यही कारण है कि ये सारे कलपुर्जे बस को क्या कर रही है, असहयोग कर रही है, सभी का सभी के साथ तालमेल नहीं है। सभी के जब एक वाहन चलती है तो उस वाहन के सारे हिस्सों को सही होना होता है, सारे हिस्से का एक दूसरे से समन्वय रहता है, तालमेल रहता है, तभी कोई वाहन ठीक से चल सकता है। तो यहाँ पर न तो स्टीयरिंग ठीक थी, न तो इंजन ठीक थी, न तो इंजन के बाकी जो कलपुर्जे हैं जो ब्रेक होता है वो ठीक है, कुछ भी इस बस का ठीक नहीं था। तो लेखक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी का असहयोग, किसी तरह से बस सभी से मतलब सारे कलपुर्जों में जैसे भेदभाव हो, कोई किसी से तालमेल नहीं रख रहा है, किसी तरह से बस चल रही थी। इसने लेखक ने व्यंग करते हुए कहा है कि इतना असहयोग ये अवश्य गांधी जी के आंदोलन से सीखे हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति दो ऐसा आंदोलन किया था जहाँ पे उन्हें असहयोग दिखाया था, ठीक है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ था, इस समय भारतीयों ने भी गांधी जी को थोड़ा असहयोग दिखाया था। पहले सारे भारतीय वहाँ उस समय भारतीय जो थे वो काफी जाति धर्मगत जातिगत ठीक है विभिन्न प्रकार के ऊंच नीच भेदभाव एक समाज में इतने सारे बुराइयों और रूढ़ियों में लगे हुए थे कि वे उस समय गांधी जी को भी ठीक तरीके से सहयोग नहीं किए थे। गांधी जी अपने चंद अनुयायियों को लेकर 70-75 अनुयायियों को लेकर ये दांडी मार्च किया था, बाद में गांधी जी को भारतीयों का सहयोग मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर दो असहयोग हम देखते हैं, एक तो भारतीयों से गांधी जी का सहयोग और गांधी जी का अंग्रेजों को असहयोग, मतलब भारतीयों का अंग्रेजों का असहयोग। इन दोनों आंदोलनों में इतना असहयोग था अंग्रेजों के प्रति भारतीयों का कि ये जो बस थी वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आई है, प्रशिक्षण लेकर आई है कि कैसे असहयोग किया जाता है। यहाँ ये व्यंग है, इसको ठीक से समझ लेना है, मैं तो इसको अब मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसको इस तरह से लिखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है। आगे बढ़ते हैं, हर हिस्सा उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी जो मैं बता रही थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, मतलब बस के सारे हिस्से एक दूसरे का तालमेल नहीं रख रहे थे, कोई किसी से समन्वय नहीं कर रहा था, सभी एक दूसरे से अभेदभाव, जैसे सभी का सभी से भेदभाव हो, ठीक है। तो भेदभाव था, सभी जैसे एक दूसरे मैंने किसी का सहयोग नहीं मिल रहा था, सिर्फ असहयोग ही मिल रहा था। पूरा बस सभी नए अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, फिर यहाँ पे व्यंग है, लेखक कह रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूरे बस जो थे विनय के साथ जैसे चलने से अवज्ञा कर रहे थे। कहने का अर्थ है ये जो बस थी वो चल तो रही थी
लेकिन बस में चढ़े हुए सवारियों से जैसे कह रही हो और बस के हिस्सेदार से जैसे कह रही हो कि अब उसकी बुढ़ापा आ गई है, अब इसकी उसके लिए ये क्या है, उसके लिए ये सामर्थ्य के बाहर है कि वो चले, जैसे वो विनय पूर्वक कह रही हो कि उसे अब मुक्ति दी जाए, अवज्ञा, ठीक है, वो जैसे चलने को तैयार नहीं है, वो न चलने की बात को बड़े विनय के साथ कह रही थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अभी ये जो बस थी वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, उसमें उसमें रफ्तार भी ज्यादा नहीं था क्योंकि इंजन बहुत कमजोर थी, सारे कलपुर्जे जो थे एकदम ढीले ढाले थे, कमजोर थे, जैसे विनय के साथ सभी यात्रियों से और बस के हिस्सेदार से जैसे वो अनुरोध कर रही थी, जैसे वो अवज्ञा को, अवज्ञा मतलब आज्ञा का उल्टा, अवज्ञा, बस को जबरदस्ती चलाया जा रहा था, उन पर सारे लोग जबरदस्ती सवार थे, जैसे वो विनय के साथ कह रही थी कि वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो चल सके, उसे मुक्त कर दिया जाए, जैसे वो अवज्ञा कर, चलने से अवज्ञा कर रही थी, विनय के साथ चलने से अवज्ञा कर रही थी। सीट का बॉडी से सहयोग चल रहा था, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, ठीक है, सीट का बॉडी से, सीट जो थे बस में, जो सीट थे वो बस की बॉडी से जैसे बाहर निकल आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय बस के जो सीट हैं वो उसमें से सारे सवारी गिर जाएंगे, ठीक है। लेखक का ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लेखक जैसे अंदर वो घुसता चला जा रहा है, सीट इस तरह से हिलडुल रहा था कि बस के ब्रेक लगाते ही लेखक गिर सकता है, कोई भी सवारी जो है सीट से नीचे गिर सकता है, तो ऐसा लग रहा था जो कि सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, मतलब बस की हालत बहुत खराब थी, एक भी सीट जो थे वो सही नहीं थे, सीट के जो पायदान थे वो सही नहीं थे, सीट बस से ठीक तरीके से टिका हुआ नहीं था, अगर सीट हिलेगा तो ब्रेक मारते ही सारे सवारी गिर जाएंगे, जिसके भी सीट ढीले रहेंगे वही गिर जाएंगे, तो सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर बाहर निकल गई है, और ऐसा लगता है कि अभी अभी तुरंत जो है ये सीट जो है बॉडी से बाहर निकल आएगी, सीट जो है बॉडी से बाहर निकल कर गिर जाएगी। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, और कभी ऐसा लग रहा था कि सीट जो है वो आगे जा रही है, बस पीछे आ रही है, ठीक है, मतलब वहां पर बैठना कतई से खाली नहीं था, सारे सवारी जैसे डरे सहमे बैठे हुए थे कि किसी भी वक्त जो है वो सीट से नीचे गिर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सीट कभी आगे भागता है बस पीछे, कभी ऐसा होता है कि सीट पीछे है बस आगे है, ऐसा प्रतीत हो रहा था, मतलब सारे सवारी जो थे लेखक के साथ सारे सवारी डरे सहमे में थे कि किसी भी समय इस टूटे फूटे सीट, सीट के जो पायदान थे वो सही नहीं थे, सीट ठीक तरीके से बस से टिका हुआ नहीं था, किसी भी समय शायद उसमें जंग मोर्चे भी थे, तो किसी भी समय सीट टूट कर नीचे गिर सकता है, सीट का पायदान टूट सकता है, सीट आगे बढ़ सक, टूट के एकदम आगे निकल जा सकता है, तो सभी डरे हुए थे, वह समझ में या समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, और ऐसा लग रहा था जैसे वो सीट पर नहीं बैठे हैं, क्योंकि सारा सीट का अंश लेखक और सवारियों के शरीर पर ही था, सारे जो सवारी थे सीट में इस तरह से अंदर घुस गए थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वो लोग सीट पर नहीं बैठे हैं, सवारियों पर सीट बैठा हुआ है, मतलब बस की अवस्था एकदम जर्जरी, एकदम दयनीय अवस्था, एकदम बुरी अवस्था, ऐसे बस को चलाना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर लेकर ये सारी बातों से बताना चाह रहे हैं कि बस कंपनी के जो रिश्तेदार होते हैं ये इतने धनलोलू, इतने स्वार्थी हैं कि इन्हें क्या है कि सिर्फ धन कमाना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है, बस का नवीनीकरण करना या बस को ठीक तरीके से रखना ताकि किसी की कोई किसी प्रकार की जान माल की क्षति ना हो, किसी भी सवारी का कोई हानि ना हो, कि किसी भी समय इस बस का ब्रेक फेल हो सकता है, ब्रेक फेल होने से सारे सवारी जो हैं क्या हो जाएंगे, बस रुकेगी नहीं और किसी से भी टक्कर लगा देगी, और टक्कर लगते ही दूसरे सवारी से टक्कर लगते ही सारे के सारे जो हैं वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, ये जानलेवा भी हो सकता है, किसी भी समय स्टीयरिंग हाथ में आ सकती है, स्टीयरिंग अगर निकल जाएगा तो बस फिर है वो फिर वो किसी से दुर्घटना करेगी, या फिर ब्रेक फेल हो सकता है, ब्रेक फेल होना, स्टीयरिंग का निकल जाना, कांच का गिर के हाथ में आ जाना या शरीर पे आ जाना, टूटा हुआ कांच है, सारे कलपुर्जे जो हैं एकदम जो हैं एकदम से ढीले ढाले कमजोर, इंजन भी कमजोर है, इंजन कमजोर होने के कारण किसी भी समय इंजन जो है कमजोर होने के कारण बस कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे रुक सकती है, और वो हो सकता है कि अगर डाकुओं का इलाका रहेगा तो वो उसमें गुजरात का समय है, फिर वो एक दूसरा खतरा, तो लेखक कह रहे हैं यहाँ पे कहना चाह रहे हैं ये धन लो लोग जो हिस्सेदार हैं
से धन की कमाई कोई करते हैं और ये नवीनीकरण या बस की जो मरम्मत का काम ये बिल्कुल नहीं करते हैं। इसकी आवश्यकता है, समय के साथ साथ सब कुछ की नवीनीकरण की आवश्यकता है। आठ कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। थोड़ी देर के बाद सारे कलपुर्जों के जो भेदभाव थे, अतः सारे कलपुर्जे जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, 8-10 मिनट जाने के बाद जैसे वो सही तरीके से अब थोड़ा काम करने लगे थे, किंतु इस तरह से सीट में वो घुसे जा रहे थे जैसे सीट उन पर है। आगे देखते हैं, एकाएक बस रुक गई। बस तो चल रही थी, अब एकाएक बस जो है रुक जाती है। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाना फिर बहुत बुरी बात है, और अगर वो किसी प्रकार से आग के संस्पर्श में आएगी तो वहाँ आग भी लग सकता है। अचानक जो है पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाता है, तो पेट्रोल की टंकी में छेद होने से पेट्रोल रास्ते में भी गिर सकती है, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये ज्वलनशील पदार्थ है पेट्रोल। अगर वो आग के संस्पर्श में आई तो वहाँ पे आग कहीं से भी अगर आग हो तो फिर वो जल भी जा सकता है। तो ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल को निकाला, एक बाल्टी लिया, बाल्टी में पेट्रोल को निकाला, उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। और इंजन में पेट्रोल को डालने का काम एक नली से, पाइप से होने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगती है। लेखक उस बस में बैठे हुए हिस्सेदार को देख रहा था, क्योंकि वो बस का जो हिस्सेदार था उस बस के बारे में एक भी अपशब्द या एक भी बुरा बात नहीं कहा था, सिर्फ वो बस की प्रशंसा ही कर रहा था, बड़े गर्वित था वो। तो अब जब पेट्रोल की टंकी से इतना कुछ होने के बाद अब जब पेट्रोल की टंकी से पेट्रोल निकलने लगा तो लेखक को उसके लेखक को ऐसा एहसास हो रहा था कि अब भी उसके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं था। अब लेखक को लग रहा था कि वो इस बस को लेकर इतना गर्वित है, अवश्य ही वो इंजन को गोद में ले लेगा और अपने से हाथ में नली को लेकर पेट्रोल जो है इंजन तक ड्राइवर ने अब ये भेजेगा। लेखक को जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था, वो जिस तरह से गर्व के साथ अब भी वो देख रहा था, उसमें लग रहा था जिस तरह से माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अब अवश्य वो माँ जैसे वो इंजन को गोद में लेकर उसे दूध पिलाएगा। कहने का तात्पर्य है इस हिस्सेदार को बिल्कुल भी शर्म नहीं था, बिल्कुल भी संकोच नहीं था कि इसने इस बस से सिर्फ कमाया ही है, बस के नवीनीकरण या बस के मरम्मत का काम कभी भी नहीं किया है, तो उसे इस बात की बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब लेखक जो है बस की अवस्था को अच्छी तरह से समझ चुका था। अब लेखक जो है बस की अवस्था को समझ जाने के बाद अब लेखक के मन में चिंता और डर जो है आने लगा। अब बस फिर से चलने लगी, 15-20 मील की रफ्तार से वो चलने लगी, ठीक है। किंतु अब लेखक बस के सारे हिस्सों को समझ चुका था कि किसी भी समय इस बस का ब्रेक फेल हो सकता है, किसी भी समय इस बस के स्टीयरिंग जो है वो टूट सकती है, किसी भी समय इस बस का इंजन जो है वो रुक सकती है। तो अब लेखक जो थे, लेखक अब प्रकृति के लुभावने जिस मतलब चारों ओर जो बस बीच में से जा रही थी और दोनों तरफ जो बड़े बड़े पेड़ थे, पेड़ का दृश्य इस तरह से प्रकृति का दृश्य सच में बड़े लुभावने होते हैं, लेकिन लेखक को अभी दृश्य लुभावना नहीं लग रहा था। लेखक अभी डरा हुआ था, क्योंकि लेखक को लग रहा था जैसे ये बस ड्राइवर का कहना नहीं मानती, ड्राइवर जिस तरह से बस को चलाना चाह रहा है उस तरह से ये बस चलने नहीं है। किसी भी समय बस की स्टीयरिंग जो है वो खुलकर हाथ में आ सकती है और बस जो है किसी भी पेड़ से जाकर टकरा सकती है, उसमें सारे के सारे सवारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, सारे के सारे सवारी जो है बुरी तरह से आहत हो जाएंगे।
तो लेखक को अभी सारे पेड़ दुश्मन प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही एक पेड़ निकल जाता, लेखक इंतजार करता कि चलो पहला ये पेड़ तो निकल गया, हम बच गए। दूसरे पेड़ का इंतजार करता, जैसे उसे दूसरा पेड़ दिखता फिर उसे डर होता और जैसे उसे लगता कि ये पेड़ अभी दुश्मन है। किसी भी समय ये बस ब्रेक फेल होने के कारण या स्टीयरिंग के निकल आने के कारण इससे जाके टकरा सकती है और टकराते ही तेज रफ्तार में बस हो, बहुत तेज नहीं होने पर भी, थोड़ा कम तेज होने पर भी रफ्तार में तो बस है, तो बस जो है वो रफ्तार में हो और किसी भी पेड़ से जाके, बड़े पेड़ से जाके टकराए तो वो अवश्य ही बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, घटना बहुत खतरनाक होगी। तो लेखक को अभी सारे जो पेड़ थे वो क्या लग रहे थे, दुश्मन प्रतीत हो रहे थे। रास्ते में एक झील आया, उसे देख के भी लेखक को डर होने लगा क्योंकि झील में गहराई है। ठीक है, अगर बस किसी तरह से स्टीयरिंग के फेल होने से या ब्रेक के फेल होने से अगर उस झील में गिर जाए, क्योंकि ड्राइवर अगर चाहेगा भी तो वो बस को मोड़ नहीं सकता है, बस को अगर दूसरी तरफ मोड़ना चाहे भी तो स्टीयरिंग उसका साथ नहीं दे रही है, ड्राइवर का साथ नहीं दे रही है। ठीक है, तो ड्राइवर चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में क्या है कि झील में जाके बस गिरेगी, बस के गिरते ही वहां पर एक बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। तो लेखक अब सच में डर रहा था, प्रकृति इतना सुहावना था, जगह जगह झील थी, बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन लेखक इन सबको देख कर अब डर रहा था क्योंकि हम जब बस की सवारी करते हैं और अगर हमें ऐसे रास्ते मिले जहाँ दोनों तरफ से हरे हरे पेड़ हो, बड़े बड़े पेड़ हो और झील हो, ठीक है, तो सच में वो सवारी हमारे लिए बहुत ही आनंददायक, वो बस का सफ़र हमारे लिए बहुत आनंददायक सफ़र होता है। किंतु ये सफ़र लेखक को आनंददायक बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेखक डरा सहमा हुआ था और ये सारी बातें को वो सोच रहा था कि किसी भी समय जो है बस इसमें इन पेड़ों से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है और झील है तो झील में भी बस गिर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं लेखक डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन उसे इस जबलपुर के ट्रेन को पकड़ना ज़रूरी है, तो वो बाध्य हो जाता है इस बस को पकड़ने के लिए, इस बस से जाता है। तो हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि और क्या होता है लेखक के साथ और क्या क्या बीतता है। आज हम यहीं तक रखते हैं, तो आज के लिए इतना ही, तो स्टूडेंट इतना ही, फिर धन्यवाद।